बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं अपने किचन में लेकर आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी विक्स वेजिटेबल। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक पतीले में एक कप पानी डाल दिया है, एक आलू और एक टमाटर ऐड कर लिया है, एक स्पून ज़ीरा, साबित दो लाल मिर्च और नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम इनको इतना पकाएंगे कि टमाटर और आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट्स के बाद हमारे टमाटर और आलू सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसे ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कलर हमारा चेंज हो गया है, यानी ऐसा समझिए गोल्डन हो गया है पूरा। उसके बाद हमारी जो बाकी सब्जियां हैं वो ऐड कर रही हूँ, गाजर, आलू और गोभी। आप उनको इतना पकाएं कि हाफ कुक हो जाएं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स और मेथड में दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करती हूँ, क्योंकि किसी किसी के इंग्रेडिएंट्स में शायद बताना क्वांटिटी भूल जाऊँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी देती हूँ, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। ये हम हाफ कुक कर लेंगे, ये बहुत अच्छी टेस्टी डिश पकती है, प्लीज़ आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी से लाइक और कमेंट कीजिएगा। इसके बाद जो हमने हाफ कुक की है सब्ज़ी को, उसे हमें अलग एक बाउल में निकाल रहे हैं। आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि आप किस तरह सब्ज़ियाँ पकाते हैं, किस तरह से ट्राई करते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप पे हमने एक अलग पतीले में प्याज और हरी मिर्चें जो डाल दी हैं और इसे लाइट सा ब्राउन कर रहे हैं। उसके बाद नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, हल्दी और काली मिर्च। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेरी डिश में, मैं कोशिश यही करती हूँ जो घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं उसी से मैं ट्राई करती रहूँ। जैसे ही हमारा ठंडा हो गया मिक्सचर, तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, जैसे इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। उसके लिए इन्ग्रीडियंट्स हैं ज़ीरा, काली मिर्च, हल्दी, मटर एक प्याली, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन, प्याज एक अदद, आलू एक अदद, गाजर एक अदद, गोभी और शिमला मिर्च। सबसे पहले एक कढ़ाई में, अच्छा तो इसका थर्ड जो स्टेप ये है कि आप फिर से एक अलग पतीले में ऑयल ऐड कर लें और प्याज जो मैंने आपको बताई थी वो ऐड कर लें, और हरी मिर्चें, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर लें ताकि मसाले भी पक जाएं और प्याज की जो रो स्मेल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये बहुत टेस्टी डिश पकेगी, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे ही थोड़े हमारे मसाले पके, तो मैंने जो टमाटर का जो प्योरे है वो ऐड कर रही हूँ। पूरा इसमें प्योरे, और टमाटर का जो प्योरे मैंने बनाया था वो ऐड कर रही हूँ। और अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। इतना पकाएं उनको कि जो थोड़ा सा तेल है हमारा वो ऊपर आ जाए, और जो फ्लेम है वो थोड़ा सा लो कर लीजिए। और उसके बाद जो हमारी बाकी सब्ज़ी जो मैंने हाफ कुक की हुई थी वो ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फिर देखिएगा कि हमने मसालों की क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। मटर ऐड कर रही हूँ एक प्याली, शिमला मिर्च। अब इन सारी सब्ज़ियों को आप पका लें, जैसे मटर हमारे थोड़े कच्चे होंगे तो उसको पका लें, बाकी सब्ज़ियाँ तो हमारी हाफ कुक हैं, जैसे चिकन, आलू और गाजर, ये क्योंकि ये टाइम कंज्यूम लगती हैं। उसके बाद मैंने एक कप पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ हाफ कुक हैं या मटर जो कच्चे हैं वो पक जाएँ और थोड़ी सी ग्रेवी भी हो जाए। ये डिश बहुत डिलीशियस है। इसके बाद मैंने 10 मिनट्स के लिए ढक्कन दे दूंगी
ताकि ऑल जो डिशेस हैं, ऑल जो सब्जियां हैं वो पक जाएं। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना डिलीशियस लुक आ रहा है, कलर वाइज कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये जो सब्जी मैंने एक सब्जी आपको बताई है, ये आप ना दावतों में भी बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा लुक देगी। और ये हमारी जो है सब मिक्स सब स्पेशल मिक्स सब्जी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसे आप तंदूरी रोटी और घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और अब मैं इसे गार्निश करूंगी हरे धनिए के साथ विथ लेमन। और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई डिश के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।